2.10 question. Now today we are studying about the magnetic fields due to the current in a solenoid. Okay. So magnetic fields due to solenoid acting we studied. So force on a current change conductor. So we have learned that electric current flowing through a conductor produces a magnetic field. ये हम बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर से उसके आसपास में ऑटोमेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है. तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड सो द फील्ड इज सो प्रोड्यूस एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मैग्नेट प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर. फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेरी एम्पियर 1775 1836 suggested that the magnet must also exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. The force is due to the magnetic field acting on a current carrying conductor can be demonstrated through the following activity. So देखिए एक activity हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. Take a small aluminium rod AB about 5 cm और आप इसका arrangement भी देखिए देख लीजिए. Current जो है flowing हो रहा B से A की तरफ, ठीक है, जो figure number 13.12 है. Then key is a switch battery देखिए jointed है उसके साथ में और current के rods के साथ में देखिए B to A और तरफ जो हमारे पास horseshoe type magnetic दिख रहा है देखिए S and L को देखिए S and L. So I hope you are understanding the arrangement of this things. Okay, मतलब किस टाइप से इसका arrangement जो है किया है जिससे हम जो है force जो है वो identify कर सकते हैं. Using the two connecting wires suspend it horizontally from a stand as shown in figure 13.12. Place a strong horseshoe magnet in such a way that the rod lies between the two poles with the magnetic field directed upward. ठीक है ना, इस टाइप से कि एक तरफ का पार्ट ऊपर की तरफ हो, एक तरफ जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ हो एंड फ्री हो, किसी को टच नहीं करता हो ताकि जब भी इसके अंदर कोई भी फोर्स वगैरह लगे तो वो जो हॉर्स टाइप मैग्नेट के द्वारा तो वो उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें किस टाइप का फोर्स जो है किस डायरेक्शन के अंदर जो है वो लग रहा है. Then the below the vicinity above the aluminium connect the aluminium rod is in series with the battery a key and rheostat. Now pass a current through the aluminium rod from end B to end A. What do you observe? देखिए आप जो है क्या observe कर रहे हैं. It is observed that the rod is then displaced towards the left. You will notice that the rod gets displaced. देखिए आप जो है यहाँ पर जो observe कर रहे हैं जैसे हमने current pass किया है एल्यूमिनियम रॉड बी एंड से ए एंड की तरफ, ठीक है ना. देखिए एक बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है, हॉर्स टाइप मैग्नेट को हमने यहाँ पे रख दिया है. एक एल्यूमिनियम की रॉड जो है वो इस टाइप से है और यहाँ से इसको जो हमने कवर करके यहाँ से मतलब इस टाइप से इलेक्ट्रिक टर्मिनल से हमने जोड़ दिया है, ठीक है. एक की भी है यहाँ पर और उसके बाद में एक स्टैंड है और उस स्टैंड से इसको इस टाइप से जोड़ा है वायर को कि दूसरा टर्मिनल जो है यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है. तो आप देख सकते हो मान लीजिए ये जो एंड है हमारा बी है वो ए है, ठीक है, और ये हमारे कोई भी देखिए हो सकते हैं जैसे कि एस और एल आपने लिख दिए, ठीक है. तो ये देखिए एस एंड एन जो है ये आपके पोल हो गए, ठीक है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है. सो दिस इज द वे ऑफ कि कैसे हमको उसको जो है अरेंजमेंट करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है. सो What do you observe? It is observed that the rod is displaced towards the left. हमने देखा है कि जैसे करंट जो है B से A एंड की तरफ फ्लो हुआ है, रॉड जो है एल्यूमिनियम रॉड जो है वो किसकी तरफ लेफ्ट की तरफ जो है वो डिस्प्लेस हो चुकी है. रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो. देखिए अब जो है हम करंट का देखिए पहले जो हमारा करंट जो था वो देखिए इस टाइप से, देखिए इस टाइप से मतलब इस तरह ऐसे था, ठीक है. आप देख सकते हैं इस टाइप का करंट हो गया हमारे पास. फिर हमने जो करंट है उसको जस्ट चेंज कर दिया बैटरी टर्मिनल्स को अगेन रिवर्स करके. तो इससे हमने देखा कि अब जो एल्यूमिनियम रॉड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो पहले से जस्ट ऑपोजिट है. ऑपोजिट में पहले वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, अब वो जो है वो राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है. तो कहने का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर भी डिटरमाइन कर रहा है कि किस टाइप से उसका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसी के आधार पर देखिए बेस के ऊपर इसके अंदर जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है.
So reverse the direction of current flowing through the rod. Observe the direction of its displacement. It is now towards the right. तो देखिए पहले left की तरफ हुआ है, अब right की तरफ हुआ है और दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो गया? Reversal. और ये जो reversal है, वो किसके वजह से हुआ है? Due to the changing the directions of electric current. The displacement of the rod in the above actually suggests that a force is exerted. देखिए इसी के अंदर भी यहाँ पर देखिए जो displacement हो रहा है, ये diagram show कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर क्या हो रहा है? Displacement. क्या हो रहा है? Displacement. And suggests that a force is exerted on a current carrying aluminum rod when it is placed in a magnetic field. It also suggests that the direction of force is also reversed when the direction of current through the conductor is reversed. तो ये जो force है, मतलब जो displacement हुआ, वो अक्सर actually जो यहाँ पर है वो किसकी वजह से हुआ है? एक प्रकार के फोर्स के कारण हुआ है और ये फोर्स जस्ट रिवर्स हो जाता है जब हमने क्या कर लिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट को भी क्या कर लिया, पहले से रिवर्स कर लिया है. ठीक है. देन नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट एंड इज वंस अगेन ऑब्जर्व दैट. ठीक है. अब हमने क्या कर लिया है, देखिए ये पोल्स को चेंज कर लिया, मतलब कि जो एन था उसकी जगह एस रख लिया और एस की जगह एन को कर लिया, मतलब हमने मैग्नेटिक पोल्स को क्या कर लिया, चेंज कर लिया. देन इट्स वंस अगेन ऑब्जर्व दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग रॉड इज रिवर्स. तो अगेन देखिए जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुका है, पहले के कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट हो चुका है. It shows that the direction of force on the conductor depends upon the direction of current and direction of magnetic field. ये कह रहे हैं कि अब देखिए अल्टीमेटली जो हमारे पास यहाँ पे कंक्लूजन आया वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो फोर्स की वजह से हो रहा है. तो आप कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डायरेक्टली डिपेंड्स है किसके ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड प्लस डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर. ठीक है ना. तो ये हमारा इसका अल्टीमेटली जो है कंक्लूजन है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. चलिए बिकॉज देखिए हमने पहले स्टेप्स के अंदर तो इसके क्या चेंज किया है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया रिवर्सल, और उसकी वजह से इसके फोर्स में क्या आ गया, चेंज. ये डिस्प्लेसमेंट ही अपने आप में क्या एक फोर्स है जिसने उस ऑब्जेक्ट को अपने आप में चेंज किया. तो पहले जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बी एन से ए एन की तरफ था, बी एन से ए एन की तरफ था, देन हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है यानी फोर्स जो है वो लेफ्ट की तरफ लगा था. जैसे ही हमारा जो करंट जो है वो ए से बी की तरफ हो गया, देन अब जो है डिस्प्लेसमेंट है वो इसकी राइट की तरफ हो गया. ठीक है ना. इसने शो किया उसको फोर्स को. ठीक है. अगेन हमने जब इनके पोल्स को इंटरचेंज किया इनके पोजीशंस को, देन अगेन इनके अंदर फोर्स जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज हो गया. तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ कंडक्टर इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट. देखिए देन इट इज शोज दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक. एक्सपेरिमेंट हैज शोन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इज लार्जेस्ट. ठीक है ना. लार्जेस्ट तभी होगा जब मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स का हाईएस्ट. ठीक है. सीधी सी बात है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज्यादा. ठीक है. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ कंडीशन वी कैन यूज अ सिंपल रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर. सो इन एक्टिविटी 13.7 वी कंसीडर द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड फाउंड दैट द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम. तो फोर्स जो है इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है. तो कहने का मतलब ये कि तीनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. द थ्री डायरेक्शंस कैन बी यूज्ड टू इलस्ट्रेट थ्रू ए सिंपल रूल कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अकॉर्डिंग टू दिस रूल स्ट्रेच द थंब फोर फिंगर मिडिल फिंगर एंड ऑफ योर लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है ना. जिसको हम फोर फिंगर भी कहते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द थंब विल बी द पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर. Devices that use current carrying conductor and magnetic fields include electric mill. देखिए ये कह रहे हैं कि जिनके अंदर हम ये current carrying conductor या electric rule जो use कर रहे हैं, ठीक है, या electric rule के base पर या उनके principles पर बने हैं, वो कौन कौन से. देखिए electric motor के अंदर इसका use हो रहा है, electric generator के अंदर इसका use हो रहा है, loud speakers के अंदर है, microphones के अंदर and measuring instruments के अंदर भी इनका use होता है. In the next few sections we will study about the electric motors and generator. तो एग्जाम्पल 13.2 देखिए. हाँ, सबसे पहले देखिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. देखिए लेफ्ट हैंड रूल देखिए आपको क्या बताता है, आपका जो थंब है, देखिए
ये आपका जो है लेफ्ट हैंड रूल हो गया, ठीक है ना, इट्स योर लेफ्ट हैंड। आपका थंब जो है वो मोशन एंड फोर्स को इंडिकेट कर रहा है, किसको, मोशन एंड फोर्स को। आपस में तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए, देखिए आप देख सकते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है, राइट एंगल्स बनाते हुए तीनों आपस में, मतलब आपको जब भी इस टाइप का यूज करना है आपको अपने फिंगर्स को फुली स्ट्रेच करना है, विदाउट स्ट्रेचिंग यू कैन नेवर गेट द परफेक्ट डायरेक्शन ऑफ दैट, ओके। तो जब आप इनको फुली स्ट्रेच करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि देखिए थंब जो है उसका डायरेक्शन जो है वो हमारा मोशन या फोर्स का है, इसका मोशन या फोर्स का है। ये जो फोर फिंगर है, जो फर्स्ट फिंगर है, इसका डायरेक्शन जो है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का है। एंड देखिए मिडल फिंगर, ठीक है ना, सेंट्रल फिंगर, उसका डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का है, ठीक है। तो ये तीनों आपस में एक दूसरे से इसी से रिस्पॉन्सिबल है। तो 13.2 देखिए एग्जाम्पल आप खुद करिए, देखिए कैसे ये यूज हो रहा है, ठीक है, और मेरे को शो करना है। देखिए एग्जांपल 13.2 के अंदर एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल्स टू इट एज शोन इन फिगर 13.14 द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे देखिए किस टाइप का हो रहा है, तो फर्स्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए सीधी सी बात है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है उससे जस्ट ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन करंट आपको नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसी के ऊपर की तरफ आपको क्या दिखेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट आप अपने बुक के लिए कर सकते हैं, देखिए जिसके अंदर देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ शो हो रहा है, ठीक है ना, आपका भी इस टाइप से होना चाहिए, देखिए ये बुक जैसे इस टाइप से रहेगी तो हमारा देखिए डायरेक्शन इस टाइप से रहेगा, देखिए क्योंकि देखिए सेंट्रल फिंगर ऊपर की तरफ शो कर रही है जो इलेक्ट्रिक करंट को बता रही है, ये इस तरफ जो फर्स्ट फिंगर है वो किसको बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो ऑलरेडी इंटर है, ठीक है। तो देखिए हमारा फोर्स किस तरफ लगना है, इनटू द पेज या इनटू द देखिए आपका जो भी है मतलब अंदर की तरफ जो है वो लग रहा है, ठीक है। तो वो आप आराम से देख सकते हो क्योंकि देखिए हमने ये स्टेप से बनाया, तो हमारे पास ऑप्शन ही जब इनटू द पेज या स्टेप से है तो जो भी हमारे पास हो अंदर की तरफ जो लग रहा है, ठीक है ना, वही हमारा क्या होना है बताइए, फोर्स या मोशन, मोशन ऑफ द कंडक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। सो आंसर इज ऑप्शन डी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ करंट हैज गिवन बाय डायनेमिक्स लेफ्ट हैंड रूल। रिकॉल दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल रिवर्स में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। सो द फोर्स इज देयर फॉर डायरेक्शन इनटू द पेज, ये डायरेक्शन इनटू द पेज रहने वाला है। अब आगे इलेक्ट्रिक मोटर है, उससे पहले हम कुछ नोट्स भी लिख लेते हैं। Now listen students, magnetic fields due to a solenoid. So a solenoid is a long coil containing a large number of turns, closed turns of insulated copper wire. देखिए इस टाइप की ये closed turns जो है वो आपको कहलाते हैं। And when an electric current is passed through the solenoid, जब भी देखिए electric current जो है वो देखिए pass हो रहा है हमें electric current इसके अंदर से, तो ये देखिए इस टाइप से electric current जो है वो होता हो, इस टाइप से डाउन साइड नीचे की तरफ जो है वो आएगा। Then it produces a magnetic field. And the strength of magnetic field produced by current carrying solenoid depends upon the number of turns. ठीक है ना, जितने ज्यादा number of turns होगा उतने ही ज्यादा क्या होगा magnetic field। तो आप कह सकते हो कि the strength of magnetic field produced by a current carrying solenoid depends directly proportional to the number of turns. If there is a more number of turns, then there is a more amount or quantity of magnetic field. Then the strength of current in the solenoid ज्यादा देखिए current की strength है, then more magnetic field.
The nature of poor material used in making solvent. देखिए इस solvent को बनाने के लिए जिस material की हमको जरूरत है, उसके ऊपर, उसके nature के ऊपर भी हमको क्या depend कर रहा है, इसके द्वारा produce किया जाने वाला magnetic field. तो देखिए अगर इसके रूप में अगर हम soft iron core को use करें, इसको soft iron core को use करें, then there is a more magnetic field will be the produced. Now the electromagnet, okay, with the name you have to know what is the electromagnet. Electromagnet देखिए क्या होता है. Electromagnet, an electromagnet is a magnet consisting of a long coil. ठीक है ना, electromagnet वो होता है जो इससे बना होता है, एक long coil of an insulated copper wire wrap around it. देखिए insulated जो है एक plastic की जो covering है उसके ऊपर होगी, then wrap around the soft iron core. जिसको soft iron core पे उसको wrap किया जाएगा, जो आप electric motor के अंदर armature या motor के रूप में देखिए आप देखते हैं उसके अंदर core that is a magnetized. और देखिए continuously उसको magnetic field के अंदर रखने का वो magnetized होती रहेगी only when electric current is passed. और देखिए ये magnetized तभी होगी जब हमने उसके अंदर क्या पास किया होगा, electric current. तो देखिए electric current वाले मतलब electric current flow होने के कारण उस conductor के अंदर एक magnetic field produce होगा, और magnetic field के अंदर जब हम soft iron core को रखेंगे जिसके अंदर बहुत सारे number of turns जो है insulated copper wire के किए हुए, उसके अंदर automatically temporary एक magnetic field produce होगा, एक magnetism produce होगा, और वो हमारा electromagnet कहलाएगा. तो देखिए as the strength of electromagnet we can increase with the raising of the electric current. जैसे ही electric current को बढ़ाएंगे उसके अंदर electromagnet अगर वो soft iron core का बना हुआ है then उसके अंदर बहुत ज्यादा magnetism produce किया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो है फोर्स ऑन कॉइल के अंदर इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखिए किस टाइप से फोर्स जो है वो प्रोड्यूस होता है. सो व्हेन अ करंट पास थ्रू एन एल्युमिनियम रॉड ए बी व्हिच इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग हॉट शू टाइप मैग्नेट इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट. जैसे देखिए एक जो ए बी जो हमने एल्युमिनियम रॉड को यहां पे रखा है, ठीक है, करंट हमने देखिए इसको देखिए पास कर रहा है, पास कर रहे हैं, देन करंट देखिए जब बी टू ए के अंदर फ्लो हो रहा है, बी टू ए के अंदर फ्लो हो रहा है, एंड देखिए एक हॉट शॉट टाइप मैग्नेट है, स्ट्रांग हॉट शॉट टाइप मैग्नेट है अच्छे से, और इसके बीच में हमने उसको रखा है ताकि फ्रीली उसके अंदर मूवमेंट हो सके, मतलब डिस्प्लेसमेंट आराम से उसके अंदर हो सके. तो कह रहे इट इज ऑब्जर्व दैट द रॉड इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द लेफ्ट. हम देखते हैं कि रॉड जो है वो डिस्प्लेस हो रही है किस तरफ, लेफ्ट की तरफ, एक जो है डिस्प्लेस हो रही है जब करंट फ्लो हो रहा है बी टू ए के अंदर. ए बी तो देखिए हमारी क्या हो गई एल्युमिनियम रॉड, और जब हमने उसके अंदर करंट फ्लो किया जिसके अंदर करंट बी टू ए की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है, देन जो रॉड का डिस्प्लेसमेंट है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट है. देखिए डिस्प्लेस होना ही अपने आप को फोर्स होने को शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है. Then now we reverse the direction of current. देखिए अब जो direction of current जो है हम A to B कर लेंगे, battery terminals को change करके. Then the direction of current from A to B rod displaces towards right. अब जो है वो right की तरफ, मतलब पहले से बिल्कुल opposite direction के अंदर उसका displacement होगा, यानी force लगेगा. So both these conditions suggest that a force is exerted on aluminium rod. देखिए दोनों ही ये condition जिसके अंदर displacement हो रहा है left hand राइट की तरफ, दोनों ही ये कंडीशन शो कर रही है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एल्युमिनियम रॉड के ऊपर एक फोर्स एग्जर्टेड हो रहा है, और सिर्फ वो फोर्स एग्जर्टेड की जो डायरेक्शन है या डिस्प्लेसमेंट है जो कंटिन्यूसली अपोजिट हो रही है वो डिपेंड कर रहा है उस करंट के डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर. If we change the direction of field to vertically, देखिए अब तीसरी चीज इसके अंदर रिक्वायर है वो है मैग्नेटिक फील्ड. अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम वर्टिकली क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड्स या बाय इंटरचेंजिंग देयर टू पोल्स, इनके पोल्स को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग मतलब एस की जगह एल, एल की जगह एस, then force of the magnet, it is once again observed that the direction of force acting on the current can what reverse, it shows that the direction of the force on the conductor. देखिए ये जो show कर रहा है बहुत ज़्यादा important है यहाँ से ये line, और ये इसका conclusion भी है कि ये show कर रहा है कि direction of force जो है किसी भी conductor पे depend करता है direction of current और direction of magnetic field पे, कि किस type का magnetic field है, कितना amount of current है उसके ऊपर depend करता है कि उस conductor पे लगने वाला जो force है, ठीक है ना, जो displacement है वो कितना होने वाला है या वो किस डायरेक्शन के अंदर होने वाला है. ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस ऑल दिस थिंग्स. ओके, थैंक यू.